भारत, भारत न्यूज 24 और पटना से चलकर नवादा हम लोग आए हैं। नवादा में देखिए, नवादा में अनंत कुमार वर्मा जी हैं जो जनता जनार्दन का समर्थन और जनता जनार्दन का समर्थन के बीच जनता के बीच में शिक्षा को लेकर के यह मेन मुद्दा है और शिक्षक के तौर पर जनता के बीच में है। शिक्षक उम्मीदवार है, इनसे जानेंगे क्या कुछ मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। सर आप एक चीज बताइए कि लोग आज अति पिछड़ा के नाम पर, पिछड़ा के नाम पर, वैश्य समाज के नाम पर, दुकानदार के नाम पर लोग वोट लेते हैं और वोट लेने के बाद क्या उनके सुख दुख में कभी आया है? आज नवादा में कई ऐसे घटनाएं हैं जहां कोई सांसद नहीं पहुंचा, सिर्फ आपको शुभकामना दे दिया और दुख संवेदना प्रकट कर दिया। क्या वैसे सांसद चाहिए? क्या आपके बच्चे झंडा लेके दौड़े 500 रुपया पर? क्या वैसे सांसद चाहते हैं? आपके बच्चों को शिक्षित होना होगा, बच्चों को शिक्षित करना होगा। अगर आपके बच्चे शिक्षित होंगे तभी तो समाज का विकास होगा, तभी तो परिवार का कल्याण होगा, तभी तो लोग आपको समझेंगे। क्या हमारे पास बच्चा नहीं है? 10,000 बच्चा का मैं टीचर हूँ, पूरे नवादा में 10,000 बच्चा चाहता तो 1,000 बच्चा के लेके घूमता, लेकिन मैंने क्या कहा कि नहीं अपने अपने घर में रहो। मैं नवादा का एक शिक्षक हूँ, मुझे सब कोई जानते हैं। लोकसभा चुनाव में इसलिए आया हूँ कि आने वाला पीढ़ी लोकतंत्र के नाम पर डरे नहीं कि यह सिर्फ बाहुबलियों का लोकतंत्र है, आपका भी राजनीतिक अधिकार है। लघु उद्योग नहीं है, जहाँ पर बेरोजगार बच्चे उद्योग करें रोजमर्रा की जिंदगी में, जो 10 से 15,000 रुपया कमाना चाहता है, अगर लघु उद्योग रहता तो वहाँ पर रोजगार करता। तो सबसे पहले शिक्षा को जन जन तक पहुँचाना है, स्वास्थ्य पर केयर करना है और नवादा को नया नवादा बनाना है, क्योंकि नवादा आज से नहीं हिंदू मुस्लिम के नाम पर ठगे जाते हैं, ज्यादा भूमियार के नाम पर ठगे जाते हैं और जनता क्या करते हैं? वोट देते हैं। तो मेरा क्रमांक संख्या 4 है, मैं गुरु हूँ, इसलिए बेंच आप है, आप करके दिखाइए। अगर मुझे जनता चुनती है तो सबसे पहले 1,00,000 बच्चे को निःशुल्क और 50,000 बच्चों को रोजगार दूंगा। अगर नहीं दिया तो मैं 2 महीने के बाद इस्तीफा दूंगा। मैं नवादा में आज 10 सालों से काम कर रहा हूँ, लगभग 5 सालों से शिक्षण बनाया हूँ, लगभग 400 बच्चे सरकारी टीचर बने, कई दरोगा बने, कई अधिकारी बने। तो क्या आप मेरे बारे में पता लगाइए? मैं नवादा की संवेदना को समझता हूँ। दुकानदार को बगलाया जाता है, बिजनेसमैन को बगलाया जाता है, पिछड़ा समाज के नाम पर वोट लिया जाता है। पिछड़ा के लिए क्या हुआ? रोजगार हुआ? आज तक कहीं रोजगार का पता नहीं है, कहीं स्वास्थ्य की पता नहीं है, आतंक की बात नहीं है। आज छोटा छोटा बच्चा क्राइम की दुनिया में जा रहा है, जामतारा बन रहा है, इसका कौन जिम्मेवार है? नमस्ते भारत, भारत न्यूज 24 और पटना से चलकर नवादा हम लोग आए हैं। नवादा में देखिए, नवादा में अनंत कुमार वर्मा जी हैं जो जनता जनार्दन का समर्थन और जनता जनार्दन का समर्थन के बीच जनता के बीच में है। शिक्षा को लेकर के यह मेन मुद्दा है और शिक्षक के तौर पर जनता के बीच में है। शिक्षक उम्मीदवार है, इनसे जानेंगे क्या कुछ मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। आप एक चीज बताइए कि लोग आज अति पिछड़ा के नाम पर, पिछड़ा के नाम पर, वैश्य समाज के नाम पर, दुकानदार के नाम पर लोग वोट लेते हैं और वोट लेने के बाद क्या उनके सुख दुख में कभी आया है? आज नवादा में कई ऐसे घटनाएं हैं जहां कोई सांसद नहीं पहुंचा, सिर्फ आपको शुभकामना दे दिया और दुख संवेदना प्रकट कर दिया। क्या वैसे सांसद चाहिए? क्या आपके बच्चे झंडा लेके दौड़े 500 रुपया पर? क्या वैसे सांसद चाहते हैं? आपके बच्चों को शिक्षित होना होगा, बच्चों को शिक्षित करना होगा। अगर आपके बच्चे शिक्षित होंगे तभी तो समाज का विकास होगा, तभी तो परिवार का कल्याण होगा, तभी तो लोग आपको समझेंगे। क्या हमारे पास बच्चा नहीं है? 10,000 बच्चा का मैं टीचर हूँ, पूरे नवादा में 10,000 बच्चा चाहता तो 1,000 बच्चा के लेके घूमता, लेकिन मैंने क्या कहा कि नहीं अपने अपने घर में रहो। मैं नवादा का एक शिक्षक हूँ, मुझे सब कोई जानते हैं। लोकसभा चुनाव में इसलिए आया हूँ कि आने वाला पीढ़ी लोकतंत्र के नाम पर डरे नहीं कि यह सिर्फ बाहुबलियों का लोकतंत्र है, आपका भी राजनीतिक अधिकार है। लघु उद्योग नहीं है, जहाँ पर बेरोजगार बच्चे उद्योग करें रोजमर्रा की जिंदगी में, जो 10 से 15,000 रुपया कमाना चाहता है, अगर लघु उद्योग रहता तो वहाँ पर रोजगार करता। तो सबसे पहले शिक्षा को जन जन तक पहुँचाना है, स्वास्थ्य पर केयर करना है और नवादा को नया नवादा बनाना है, क्योंकि नवादा आज से नहीं हिंदू मुस्लिम के नाम पर ठगे जाते हैं, ज्यादा भूमियार के नाम पर ठगे जाते हैं और जनता क्या करते हैं? वोट देते हैं। तो मेरा क्रमांक संख्या 4 है, मैं गुरु हूँ, इसलिए बेंच आप है, आप करके दिखाइए। अगर मुझे जनता चुनती है तो सबसे पहले 1,00,000 बच्चे को निःशुल्क और 50,000 बच्चों को रोजगार दूंगा। अगर नहीं दिया तो मैं 2 महीने के बाद इस्तीफा दूंगा। मैं नवादा में आज 10 सालों से काम कर रहा हूँ, लगभग 5 सालों से शिक्षण बनाया हूँ, लगभग 400 बच्चे सरकारी टीचर बने, कई दरोगा बने, कई अधिकारी बने। तो क्या आप मेरे बारे में पता लगाइए? मैं नवादा की संवेदना को समझता हूँ। दुकानदार को बगलाया जाता है, बिजनेसमैन को बगलाया जाता है, पिछड़ा समाज के नाम पर वोट लिया जाता है। पिछड़ा के लिए क्या हुआ? रोजगार हुआ? आज तक कहीं रोजगार का पता नहीं है, कहीं स्वास्थ्य की पता नहीं है, आतंक की बात नहीं है। आज छोटा छोटा बच्चा क्राइम की दुनिया में जा रहा है,
जामतारा बन रहा है, इसका कौन जिम्मेवार है? क्या बोलते हैं कि नारदीगंज से लेके बड़बीघा से लेके शेखपुरा से लेके सब जगह आ रहे हैं। आप लोग को पता होना चाहिए कि नवादा में मकान है तो नली नहीं है, यानी कि सरकार की योजनाओं के साथ भी खिलवाड़ किया गया है। वैसा सांसद मुझे नहीं चाहिए। बाहरी को भगाना है और लोकल सांसद में शिक्षित को लाना है। अगर हम हैं तो मुझे चुनेगी जनता, अगर कोई और है। लेकिन हाँ, इतना मैं कहना चाहता हूँ कि किसी को भी सांसद बनाइए, उसको बोलिए कि महीना में 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, हमारी जन समस्याओं को उठाए और जन समस्याओं को सदन में रखे। अगर रखते हैं तो स्वीकार कीजिए, नहीं तो बहिष्कार कीजिए। मैं आनंद कुमार वर्मा, क्रमांक संख्या 4 बेंच छापा है, एक बार मुझे दीजिए और दिखाते हैं जनता के और नया नवादा बनाने का काम। जनता से आप क्या बोलना चाह रहे हैं, जनता से क्या अपील करना चाह रहे हैं? मैं गरीब प्रत्याशी हूँ ना, जनता के पैसा लेके मांग रहा हूँ, 10-10 रुपए मांग के इलेक्शन लड़ रहा हूँ, सब जानता है। पर नाम नवादा जनता में चलाया हूँ, मुझे कई परिवार से सपोर्ट नहीं है, कई लोगों से सपोर्ट नहीं है, कोई नेता से सपोर्ट नहीं है। मैं जनता के 10 रुपया का ऋणी हूँ, वही 10 रुपया का ऋणी सरकार की जो क्रियान्वयन योजना है जो पहुँचेगी उसको जन जन तक पहुंचाएंगे और बच्चों को शिक्षित करेंगे। अगर बच्चे शिक्षित होंगे ना सर, तो पूरा देश सुधर जाएगा और अपने आप को पहचानेगा कि हम कौन है। बच्चों को शिक्षित रखा जा रहा है ताकि हमारा झंडा खुले और जयकारा करे। धन्यवाद। बेंच आप 4 नंबर है सर, आप लोग जरूर सहयोग करिए, हम नवादा का हिस्सा बनने वाले हैं। जल्दी करना, मैं गरीब प्रत्याशी हूँ ना, जनता के पैसा लेके मांग रहा हूँ, 10-10 रुपए मांग के इलेक्शन लड़ रहा हूँ, सब जानता है। पर नाम नवादा जनता में चलाया हूँ, मुझे कई परिवार से सपोर्ट नहीं है, कई लोगों से सपोर्ट नहीं है, कोई नेता से सपोर्ट नहीं है। मैं जनता के 10 रुपया का ऋणी हूँ, वही 10 रुपया का ऋणी सरकार की जो क्रियान्वयन योजना है जो पहुँचेगी उसको जन जन तक पहुँचाएंगे और बच्चों को शिक्षित करेंगे। अगर बच्चे शिक्षित होंगे ना सर, तो पूरा देश सुधर जाएगा और अपने आप को पहचानेगा कि हम कौन है। बच्चों को शिक्षित रखा जा रहा है ताकि हमारा झंडा खुले और जयकारा करे। धन्यवाद। बेंच आप 4 नंबर है सर, आप लोग जरूर सहयोग करिए, हम नवादा का ही रहने वाले हैं। जल्दी बताइए।